नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत ठाकुर आज पहुंच चुके हैं नवाज से 5 किलोमीटर दूर ग्राम बिशनपुरा पर। यहां पर संतोष जी के घर पर कोई स्नेक देखा गया है पानी की टंकी पे। बने रहिए वीडियो में, देखते और दिखाते प्लीज कम है। देखिए दोस्तों, ये इंडियन कॉमन क्रैब पानी से भरी टंकी है। यहाँ इसका निर्माण हुआ था टंकी को, यहाँ पर गिर चुका है। बहुत ही खतरनाक स्नेक निशाचर कहा जाता है जिसे। ये देख यार, पानी ला डब्बा में, पानी ला डब्बा में। कौन डब्बा में? बचाव के लिए ताकत लगाते हैं। दोस्तों, ये इंडियन कॉमन क्रैब स्नेक है जो कि रात के वक्त निकलता है, और ये शायद घर के अंदर आना चाह रहा होगा लेकिन पानी की टंकी में गिर गया था जिससे घर के अंदर नहीं पहुंच पाया। ढक्कन दे भाई, और इसे हम कैच कर चुके। इसे निशाचर भी बोला जाता है, कहीं कौड़ी वाला सांप, कौड़ीला, और कहीं गांव देहात में कोयली सांप भी कहा जाता है। बहुत ही खतरनाक स्नेक है, न्यूरोटॉक्सिन का हाई वेनमस स्नेक। इसके इतने छोटे दांत रहते हैं कि इसके द्वारा सर्पदंश होने के बाद भी पता नहीं चलता लोगों को तो क्या काट दिया। नॉर्मली ऐसा लगता है रात के सोते वक्त काटता है, एक तो मच्छर वगैरह काटा है ऐसा महसूस करता सामने वाला, पता चला सुबह उठ ही नहीं रहा, सो के उसकी डेथ हो गई। इसके सिम्टम पूरे शरीर की जलन होती है, पेट में दर्द होएगा, उल्टी होएगा। अगर ये समझ गया कोई व्यक्ति तो ठीक है। अब मैं उनसे रूबरू कराता हूँ जो घर के मालिक हैं। संतोष कुमार सिंगरौरी जी हैं जी। अब ये आपको बताएंगे, तहसील निवास जिला बंडा, ये आपको बताएंगे इस पे कैसे नजर पड़ी इनकी। अरे मैं गया था ये पीछे टैंक, तो वहां पे ये तैर रहा था, तब देखे। हाँ तब देखे, तो अब आपको बुलाया मैं फोन करके। ठीक है दोस्तों, बने रहिए वीडियो पे, थोड़ी देर बाद इसे फिर मैं रिलीज करता हूँ जंगल में, दिखाता हूँ छोड़ते हुए। और सुबह सुबह का वक्त है, सभी भाई को राम राम और गुड मॉर्निंग। बने रहिए, फिर मिलता हूँ 5 मिनट के ब्रेक के बाद।